प्यारे बच्चों, 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए ओबीसी का रिजर्वेशन 27% और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 10% इम्प्लीमेंट हो चुका है, ये आपने न्यूज सुन ली होगी। अभी इससे 21 की कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो मैं आपको पूरे फैक्ट के साथ, डाटा के साथ में बताऊंगा कि ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को कितना फायदा होना है और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना नुकसान होगा, क्योंकि अभी से जब ये न्यूज आई है तब से ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट काफी खुशियां मना रहे हैं, जनरल के कैंडिडेट्स इसमें काफी दुखी हैं कि हमारी कट ऑफ कहीं ज्यादा जाएगी। तो मैं आपको पूरा फैक्ट के साथ में, डाटा के साथ में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, सब कुछ आपको इसमें बता देता हूं कि 21 में इसमें कितना मार्क्स का फर्क पड़ेगा, कितनी रैंक का फर्क पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले सीटें कितनी हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। हम यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की ही बात करेंगे, बाकी एम्स और उनका सेपरेट कोटा होता है। ऑल इंडिया कोटा के लिए बात करेंगे तो 5625 सीट्स हैं टोटल इंडिया में, और ये 2020 में भी इतनी ही सीटें थी। 21 के लिए सीटें इंक्रीज होंगी, उसका डाटा बाद में आएगा, अभी इंस्पेक्शंस वगैरह चल रहे हैं एनएमसी के, तो ये इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद में ये डाटा आएगा, तब आपको बता देंगे कि कितनी सीटें इंक्रीज हो रही हैं। हम पहले लेके चलते हैं 5625 सीट्स के लिए ही। तो ये रिजर्वेशन जब इसमें होना है तो एज पर रूल 40.50% अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2277 सीट्स रहेंगी। इसके बाद में हम बात करें ओबीसी के लिए, जो 27% होगा उसमें 1519 सीट्स रहेंगी। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस 10% के लिए 563 सीट्स रहेंगी। इसके बाद में 15% एससी के लिए और एसटी के लिए सेम पहले जैसी 844 और 422 सीटें रहेंगी एज पर रिजर्वेशन। ये 21 में रहने वाला है। अब मैं आपको एक 2020 की कट ऑफ बता देता हूं कि अगर ये 2020 में इम्प्लीमेंट होता तो इसकी क्या कट ऑफ रहनी थी। आप 21 के बारे में खुद आइडिया लगा लें, क्योंकि 21 का अभी तक हमारे पास में ये डाटा भी नहीं आया है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस कितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं, जनरल के कितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं, और इसमें क्वेश्चन पेपर का लेवल वगैरह और कितने कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ऑल इंडिया कोटा में, तो ये डाटा आया नहीं है, इसलिए 21 का तो नहीं बता सकते। लेकिन हम ये आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि यही अगर रिजर्वेशन 2020 में इम्प्लीमेंट होता तो क्या कट ऑफ रहनी थी, कितना मार्क्स का फर्क पड़ना था। तो इसी के अकॉर्डिंग आप 21 का आइडिया लगा लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2020 में कट ऑफ रही थी वो सीटें थी, इसमें टोटल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कंबाइंड सीटें थी उसमें 4359 सीट थी इसमें। अब इसकी जो कट ऑफ रही थी इन तीनों कैटेगरी के लिए वो 15038 रैंक पर 611 मार्क्स रही थी। तो ये कट ऑफ रही थी इन तीनों की कॉमन के लिए। अभी 21 में तीनों के लिए अलग अलग कट ऑफ रहनी है, क्योंकि इसमें जनरल का कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस की सीट और ओबीसी की सीट कोई स्पेसिफाइड नहीं थी, इसलिए इन पर भी एडमिशन लिया था। अभी 21 में ईडब्ल्यूएस का जो सीट है उस पर जनरल का कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकता और ओबीसी की सीट पर भी जनरल का कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकता। मतलब कि 4359 सीट पर 2020 में तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट ने एडमिशन लिया था, इसमें जनरल भी एप्लीकेबल थे, लेकिन जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो इन 563 और 1519 सीट्स पर जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सीट है इसमें जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकता है। तो इसमें जो जनरल की जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे 2020 में, तो इन 4359 सीट पर इतने कैंडिडेट ने जनरल के 2534 कैंडिडेट ने एडमिशन लिया था। इसके बाद ओबीसी का अलग डाटा निकालें तो 1485 ने एडमिशन लिया था, ईडब्ल्यूएस का निकालें तो 356 ने लिया था। एससी एसटी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब अगर ये 2020 में ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होता तो
जनरल कैंडिडेट की जहां 2534 कैंडिडेट ने एडमिशन लिया था, वहां 2307 कैंडिडेट को ही सीट मिलनी थी अगर ये 2020 में इंप्लीमेंट होना था। तो अगर इतने कैंडिडेट को सीट मिलती तो जनरल की कट ऑफ चली जाती 615 मार्क्स और रैंक रहती 13,500 तकरीबन, इसी के नियर बाई रैंक रहती। यानी कि 615 मार्क्स वाले जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को सीट मिलती अगर ये 2020 में इंप्लीमेंट होता। तो अब हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट को, अगर यही रिजर्वेशन 2020 में इंप्लीमेंट होता तो ओबीसी कैंडिडेट को कितने मार्क्स पर सीटें मिलनी थी, तो ये 1498 कैंडिडेट को सीट मिलती, जबकि 2020 में बिना रिजर्वेशन के लिए 1485 को मिली थी। तो इसका हम अगर आपको अंदाजा बताएं तो ओबीसी कैंडिडेट को मिलनी थी 610 या फिर 609 मार्क्स वाले कैंडिडेट को, जिसकी रैंक 15,700 के नियर बाई थी, यह मिलता अगर रिजर्वेशन होता। तो यानी कि ओबीसी कैंडिडेट को 609 वाले को भी मिल सकता था और 610 को मिल सकता था अगर ये रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होता। तो अब इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पड़ने वाला है। ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन नहीं होने से 356 कैंडिडेट को सीट मिली थी, लेकिन मिलनी चाहिए थी 554 कैंडिडेट को सीट्स मिलनी चाहिए थी। ये सीट इनकी रिजर्व थी, इन सीटों पर जनरल वालों कैंडिडेट ने भी एडमिशन लिया था। इसमें 356 पर सिर्फ ईडब्ल्यूएस ने लिया था, बाकी जो सीट बच गई उन पर ईडब्ल्यूएस और जनरल सॉरी ओबीसी और जनरल कैंडिडेट ने एडमिशन लिया था। इसका हम लगाएं तो ये जा सकती थी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की, अगर ये 2020 में कोटा इंप्लीमेंट होता तो 18,000 के नियर बाई जा सकती थी। 18,000 मतलब 606 मार्क्स या इससे भी नीचे 605 या फिर 4 हो सकती है। तो ये अगर कोटा 2020 में इंप्लीमेंट होता तो इतना फर्क पड़ता, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 से 2 मार्क्स का फर्क पड़ता। रैंक की बात करें तो रैंक 700 से 800 हजार तक पड़ जाता, लेकिन 2 मार्क्स का फर्क पड़ता ओबीसी की कंडीशन में। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें हम, तो ईडब्ल्यूएस में अगर ये कोटा पहले इंप्लीमेंट होता 2020 में, तो ईडब्ल्यूएस में कम से कम भी 5 से 7 मार्क्स का अंतर आता, 5 से 7 मार्क्स का अंतर आता, 4,000 रैंक का फर्क आता है इसमें। इसके बाद में हम बात करें कि ये तो जनरल और ओबीसी दोनों का सॉरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो गया, जनरल में अगर होता तो जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी इससे हाई जाती, 4 मार्क्स, 615 के नियर बाई इसकी कट ऑफ जाती। तो आप 21 का ये एक आइडिया लगा लें कि इतने ही मार्क्स 21 में जा सकते हैं, हालांकि ये हमारा अनुमान है, अभी इसमें ये डाटा आया नहीं है कि कितने कैंडिडेट ओबीसी के रजिस्टर होंगे, उसमें जनरल के कितने होंगे। ये सीटों का और ये कोटा आपका क्लियर हो गया है, अभी सीटें भी इसमें बढ़नी है, लेकिन इसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने होंगे, तो ये मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है। ओबीसी कैंडिडेट को ज्यादा फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है, न ही कट ऑफ में इतनी ज्यादा जनरल वालों को फर्क पड़ेगा कि काफी ज्यादा हाई चली जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो जनरल के कैंडिडेट ज्यादा चिंता में ना आए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी ज्यादा खुशी ना मनाए, क्योंकि इतना ज्यादा फर्क उनके भी पड़ने वाला नहीं है कि 50-60 नंबर पड़ जाएगा, मुश्किल से 4 या 5 या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को तो 7 या 8 का पड़ सकता है, लेकिन ओबीसी को 2 नंबर तक या 3 नंबर तक हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, रैंक में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो
तो आपको अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि रैंक इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन रैंक पर ही होगा। एक मार्क्स पर इस रेंज तक 500 रैंक का फर्क पड़ता है, 500-600 रैंक का फर्क पड़ता है। जैसे जैसे रैंक नीचे आती जाती है, मार्क्स नीचे आते जाते हैं, ये जो फर्क है ये बढ़ता जाता है मार्क्स वर्सेज रैंक का। धीरे धीरे ऊपर वाले रैंक में कम होता है, नीचे वाली रैंक में मार्क्स बढ़ते जाते हैं, और रैंक बढ़ती जाती है मार्क्स कम होते जाते हैं। इस प्रकार से ये डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो आपको अभी से तैयारी करना है, आपके लिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वो कम से कम भी 5 या 6 मार्क्स का अपना टारगेट बढ़ा लें। ओबीसी के कैंडिडेट को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी अपने स्टडी कंटिन्यू करते रहें। आपके एक एक मार्क्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक मार्क्स का जो रैंक का फर्क पड़ता है, वो सबसे पहले एज, यानी कि एक ही मार्क्स पे जो 500-600 कैंडिडेट होते हैं, सबसे पहले जिसकी ज्यादा एज होती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, उसको फर्स्ट रैंक में लाया जाता है। उसके बाद जिसके बायोलॉजी में मार्क्स ज्यादा हैं उसको लाया जाता है, उसके बाद में जो केमिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा हैं, और फिर फिजिक्स में। तो इस प्रकार से ये प्रायोरिटी दी जाती है। दो कैंडिडेट की मार्क्स सेम है, एज सेम है, तो उन दोनों में से जिसके बायोलॉजी में मार्क्स ज्यादा हैं उसको पहले प्रायोरिटी, पहले रैंक दी जाएगी। अगर तीनों कंडीशन में एज भी सेम है और बायोलॉजी के मार्क्स भी सेम है, तो तीसरी कंडीशन होती है केमिस्ट्री के, अगर मार्क्स ज्यादा हैं जिसके, तो उस कंडीशन में उस कैंडिडेट को प्रायोरिटी पहले दी जाती है। तो मैं समझता हूं कि आप इसके बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको बस अभी स्टडी पर ध्यान देना है, और ये ध्यान रखना है कि एक एक मार्क्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। कट ऑफ आपका, अभी आप एक क्वेश्चन करेंगे तो 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 5 मार्क्स का आपका फर्क पड़ेगा एक क्वेश्चन सही करने से। तो आपको क्वेश्चन सही करने का, किस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट करने का, ये ध्यान रखना है, और अच्छा स्कोर करके अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करता हुआ आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।